हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक्स फ्लेवर्स। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कश्मीरी रेसिपी वांगन हच तो रुवांगन हच, यानी कि सूखे बैंगन और सूखे टमाटर। ये रेसिपी कश्मीर में जो है विंटर में ख़ास तौर पे बनाई जाती है। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये मैंने 2 बड़ी इलायची ली है और थोड़े सी दालचीनी का टुकड़ा लिया है, और ये शैलट्स जिसको हम प्रॉन कहते हैं ये भी मैंने सूखा हुआ लिया। ये नमक मैंने 2 टीस्पून लिए हैं। ये 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सौंफ पाउडर लिया है, 2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च। ये रेसिपी बनाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे टमाटर लिए। देखिए, टमाटर मैंने अपनी मुट्ठी से 2 मुट्ठियाँ ली भर के, और बैंगन मैंने 1 भर के मुट्ठी ली, क्योंकि ये जो सूखी सब्जियाँ हैं ये जो है सुखाने के बाद सिकुड़ गई होती है, इसलिए इनका अंदाज़ा बहुत ही केयरफुली रखना होता है। तो अब मैं इनको टमाटरों को धोऊंगी, इनको बहुत ही आराम से धोना है। देखिए, आप जो है ल्यूक वार्म वाटर इसमें डालिएगा। इसके बाद ऐसे करके 2-3 बार जो है, जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये साफ हो गए, अब मैं ये पानी इनको फेंक दूंगी। टमाटर मैंने अच्छी तरह धो लिए, मैंने 2-3 बार इनको धोया ल्यूक वार्म वाटर से। अब मैं इनको भिगो के रखूँगी, एकदम गर्म पानी डाल के 1/2 घंटे के लिए मैं इनको भिगोने के लिए छोड़ दूँगी ढक के। देखिए, ये सॉफ्टन हो जाएंगे। देखिए, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, इससे भी एक ईजी वे है, आप सूखे हुए टमाटरों को जो है आप ग्राइंड करके रख सकते हैं। ग्राइंड करके एक पाउडर बन जाएगा, और उस पाउडर को भी आपको फिर इसी तरह गर्म पानी में, पहले थोड़े से गर्म पानी में डाल के फिर आप फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, बैंगन जो है मैंने अच्छी तरह, ये भी ल्यूक वार्म वाटर से मैंने धोए ये। अब मैं इनको बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। ये मैंने ऑलरेडी गर्म पानी लिया है, पानी में जब थोड़ी सी उबाल आ जाएगी उसके बाद मैं इसमें बैंगन डाल देती हूँ। ये देखिए, पानी बॉईल हो गया, अब मैं इसमें बैंगन ऐड करती हूँ। हमें बैंगन को ज़्यादा भी नहीं उबालना है, बस इतना थोड़े से सॉफ्ट हो जाए बैंगन, इस तरह से गैस को मैं धीमी आंच पे रख देती हूँ। अब मैं चेक करती हूँ बैंगन हमारे सॉफ्ट हो गए कि नहीं। ये मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए रखे। हाँ जी, ये सॉफ्ट, देखिए सॉफ्ट हो गए। अब बिल्कुल भी पिचपिसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही सॉफ्ट होनी चाहिए ये। आप जो है बैंगन को बॉईल करने के लिए फुल फ्लेम पे भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमें बैंगन को बॉईल करना है। ये देखिए, अब मैं गैस जो है बंद कर देती हूँ। मैंने ड्रेन किया, वो सारा पानी मैंने फेंक दिया। अब बैंगन थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो मैं इनसे पानी निचोड़ूंगी। बैंगन मैंने निचोड़े, अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। तो मैंने पैन लिया, अब मैं ऑयल इसमें ऐड करती हूँ। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे रिफाइंड ऑयल हो। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले मैं जो है शैलट्स, यानी कि जो प्रॉन जिसको हम कहते हैं, आप इसकी जगह जो है, अगर ये अवेलेबल नहीं होगा, अनियन भी ले सकते हैं। तो इसको मैं पहले फ्राई करती हूँ, गैस को ऑफ कर देती हूँ ताकि ये जले ना। शैलट्स को मैंने फ्राई किया, अब मैं बैंगन फ्राई करती हूँ।
गैस को फुल फ्लेम पे रख देती हूँ। बंद कर दिया था। देखिए बैंगन फ्राई हो रहे हैं, ये मैं इनको पलट देती हूँ। इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने चाहिए। ये जो हम सूखी सब्जियाँ बनाते हैं विंटर्स में, इससे इंसान जुकाम खांसी इससे बच जाता है, क्योंकि बर्फ़ की वजह से जो कोहरा जमता है सब्जियाँ भी ख़राब हो जाती है। इसलिए विंटर में जो है बेटर है टमाटर बैंगन इस तरह की चीज़ें आप ड्राइड ही यूज़ करें, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ियाँ। बैंगन देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और बैंगन इसमें से तेल में से निकाल देती हूँ। ये देखिए मैंने दूसरा बर्तन लिया, क्योंकि अब मुझे टमाटर फ्राई करने हैं। ये मैंने टमाटर जो है सॉफ्ट होने के लिए पानी में रख दिए थे। ये देखिए ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए अगर आपकी प्लानिंग हो पहले से ही कि ये सब्ज़ी बनाने की, तो आप एक दो घंटे भी पहले रख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए रखे थे। अब मैं थोड़ा सा ऑयल जो है इसमें से लेती हूँ, जिसमें मैंने बैंगन डाले। गैस मैंने फुल फ्लेम पे रखा है। अब ये जो टमाटर है मैं इसी तरह से इसमें डाल दूँगी। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जो चाहे अगर ऐसे भी आप इनको ग्राइंड करके डाल सकते हैं, या आप ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इनमें सारे मसाले ऐड करती हूँ। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। और इसको हम ढक के रख देंगे। जब इसको उबाल आएगी अच्छी तरह से, फिर मैं इसको लो फ्लेम पे रख दूंगी। टमाटर देखते हैं, देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं। ये देखिए, आप जब भी टमाटर जो बनाएं तो लकड़ी का ही स्पैचुला यूज करना। देखिए अच्छी तरह से, मैंने आपको पहले भी बताया आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे टमाटर इसी तरह तैयार करने अच्छे लगते हैं। अभी मैं थोड़ी देर और रखती हूँ। ये देखिए टमाटर जो है तैयार हो गए। इनका टेक्सचर ऐसे आता है। फिर ये देखिए बिल्कुल ये मैश हो गए हैं अच्छी तरह से। देखिए अब मैं इनमें टमाटर में मैं पानी ऐड करती हूँ। ये मैंने पानी इसमें ऐड किया। अब मैं इसमें बैंगन ऐड करती हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको पानी कम लगे तो। पानी और ऐड करना है। पहले उबाल जो है फुल फ्लेम पे, उसके बाद सिम पे रखना है। वांगन हचे और वांगन हचे यानी ड्राइड जो है हमारी टमाटर और बैंगन की सब्जी तैयार हो गई। अब मैं इसमें जो है ये जो देखिए मैंने फ्राइड जो है शैलट्स रखे थे, आप इसके बगैर जो है ओनियन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा। अब मैं इस पे जो है ज़ीरा अपने ट्रेडिशनल वे में ऐड करती हूँ। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।